जी अस्सलाम वालेकुम। आज के मैच के बारे में बताने लगा मैं कि पाकिस्तान ने 482 की है और अल्टी माउंट और ऑस्ट्रेलिया ने आगे से 30 रन बना दिए हैं। मैं सबसे पहले आपने सुभान सर से पूछूंगा कि क्या इनका तजिया है इसके बारे में, अफसर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचना, सरफराज ने अपनी फिटनेस ही दिखाया, दो रन ने नहीं काबिल नहीं है वो, ना उसे छक्का भेजता है। तो मतलब आप चाह रहे हैं टीम का कप्तान नहीं बन सकते? नहीं, काबिल ही नहीं है, कप्तान इसको कहते हैं, कप्तान कोहली को कहते हैं। सही कह रहे हैं आप। क्या ख्याल है, आप वो 5 रन ले रहे एक बॉल पे फिर आप उसको कप्तान बनेंगे? नहीं, वो स्ट्राइक तो रहे ना अपनी, ना वो T20 में कुछ करता है ना टेस्ट मैच में कुछ कर रहा है। आपकी पुरजोर अपील है कि पाकिस्तान से कि इसको कप्तानी से हटाया जाए, हटाया जाए, पारित कर दिया जाए इसको? जी। क्या आपकी नज़र में कोई नया कप्तान है टीम पाकिस्तान में, कोई आपको लगता है ये कप्तान होना चाहिए? बाबर आजम को बना रहे हैं। चले देख जी, आप बताएं जी क्या आपका 100 रुपया है? सरफराज अहमद को निकाल रहे, उसको कप्तान नहीं बनाना चाहिए, वो दो रन नहीं कर सकता, तो मैं क्या करेगा वो, तो इसलिए लिया था ये है कि उसकी जगह कोई और कप्तान बनाया जाए। अच्छा सर, आपका क्या ख्याल? देखें जी, ये पूरी टीम यारी दोस्ती में बनी हुई है, सरफराज को जो अच्छा लगता है जिसके साथ थोड़ी सलाम दुआ है उसको टीम में रख लेता है। ये वहाँ हो गया, उसको टीम में लाए हैं 2 साल बाद, उसने क्या परफॉर्मेंस दी है जो उसको वापस लिए हैं? सही। कौन सा 3 बार लिया उसने, डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में? अन्ना वो जो वनडे सीरीज आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना, यही हो रहा है। बाबर आजम बार बार फेल हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में, आज भी 4 स्कोर बनाया, एक स्कोर नहीं भाग के लिया गया, रन आउट हो गया, उसको टीम में खिलाई जा रहे हो, टेस्ट मैच खिलाई जा रहे हो, फवाद आलम बेचारे का क्या कसूर? हफीज को करना चाहिए, हफीज और फवाद आलम का क्या कसूर है? इतना अच्छा, सर मैं ये सोच रहा था जब फीस ने 100 कर दिया तो इतना अच्छा लग रहा था, मैं कहा पाकिस्तान 600 मारेगा और कहेगा जी जनाब आप बारी। ये हारिस सुहेल, इतना पैसा पाकिस्तान ने इस क्रिकेट पे लगा दिया, 3 सर्जरियां कराई हैं यार, शकील को मार दिया आपने वैसे, और खालिदी को वैसे बूढ़ा कर दिया आपने, जो अच्छे खिलाड़ी थे उनको आपने कहा ये फिक्सर है, जो जो आपको नहीं लगाएंगे वो आपके खिलाफ, वो उनको निकाल देना, यारी दोस्तियों पे चलनी है ये टीम, सीधी सी बात है। आपका ख्याल है कि सन अली को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए? सन अली पेसर अच्छा है, विकेट नहीं ले रहा यार, आमिर को निकाल देगा यार, देखें आमिर ने इतने मैचों में कुछ नहीं, शाहीन अफरीदी के खिलाफ कर, हां शाहीन अच्छा लड़का है, शाहीन अफरीदी को निकालना चाहिए। चले देखते हैं जी अगले कल के मैच दिन में पाकिस्तान क्या करता है। कल अगर पाकिस्तान ने 300 से पहले आउट ना किया तो पाकिस्तान के लिए मैच गया, गया। सर आप क्या ख्याल? गया मैच 200 में ना उन्होंने कोई आउट दे दिया। चलिए ठीक है जी, चलिए जी कल के दिन के लिए फिर टाइम।